Now I request Professor Poonam Batra of Delhi University. She has worked a lot on elementary education and training for elementary education, besides being a researcher on education. Professor Batra. Thank you, Professor Mohanty, and organizers for giving me this opportunity. मैं कोशिश ये करूँगी कि कुछ खास मुद्दे जो कि एक तरह के एजुकेशन का जो डिस्कोर्स चल रहा है जो जिस तरह के बहस चल रही है उसमें हमको कैसे गुमराह किया जा रहा है और ये सारे जो मूल मुद्दे हैं एलोकेशंस के शॉर्टेज ऑफ टीचर्स के इस तरह के जो मुद्दे हैं वो एकदम कहीं गायब हो जाते हैं क्योंकि हमको कहीं किसी की तरह से गुमराह किया जा रहा है क्वालिटी की क्या परिभाषा है इसको लेके वगैरह वगैरह तो सबसे पहले तो आरटीई जब आया तो उम्मीद और उसका पूरा विजन यही था कि वो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है वो एक थ्रस्ट था कि सबको बराबरी की शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा मिले लेकिन जो सारी तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं या जो चीज़ें हैं जो गुणवत्ता को बढ़ाते हैं या उसका उसको बनाते हैं जैसे कि एक स्कूलों में क्लासरूम्स में लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है एडिक्वेट टीचर्स है शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए टीचर का प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो तमाम बातें जो हैं आरटीई में एक तरह से सम्मिलित थी कि ये सारी तमाम बातें गुणवत्ता की शिक्षा को आगे ले जाने में मदद करेंगी और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते लेकिन आज की तारीख में जैसा कि इन्होंने कहा नीति आयोग ने इनको ऐसा बना दिया है कि जैसे ये इनपुट्स हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और बल्कि इनपुट्स और आउटपुट्स में क्या रिश्ता होता है उसको ही नज़रअंदाज किया जा रहा है हालांकि करिकुलम हमारे देश में एनसीएफ के आने से और टेक्स्ट बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी लेकिन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं गया और आज की ये सिचुएशन है कि हमारे आरटी में इम्प्लीमेंटेशन की जो बात की जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है मुझे लगता है ये भी एक बहुत सिंप्लिस्टिक तरीका है आरटी के बारे में सोचने का क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की तो दूर की बात है मॉनिटरिंग गवर्नेंस की जो बात की जा रही है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है वो भी पूरी बात नहीं है तीन मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं आरटीई में आज की तारीख में और तीनों ने आरटीई को बिल्कुल एक तरह से निहत्ता कर दिया उसके पास कोई दम ही नहीं रह गया उस एक्ट को ही इतना मतलब जो दमदार था उसमें से वो दम ही निकाल दिया तो सबसे पहली तो ये अमेंडमेंट थी कि टीचर्स को हम जो कि अनक्वालिफाइड हैं जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है वो 2009 में जब एक्ट बना था तभी कहा था कि ठीक है आप थोड़ा सा समय लेके ये सब करें उस समय जो बोर्डिया कमेटी थी आरटीएसएसए कमेटी उन्होंने आंकड़े बताए थे 10.6 लाख टीचर्स जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और कहा कि अगले पाँच साल में हम ये पूरा करेंगे लेकिन 2015 तक ये पूरा करना था 2015 तक और नहीं हुआ उस दौरान कोई भी ऐसा कदम भी नहीं उठाया गया कि जिन राज्यों में टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं ही नहीं है इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है उस तक भी बात नहीं पहुंची हालांकि 2011 में जस्टिस वर्मा कमीशन बनी जिसकी रिपोर्ट 2012 में आई और सबसे पहली रिकमेंडेशन यही थी कि सरकार को टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि 90% टीचर ट्रेनिंग प्राइवेट में हो रही है जो कि टीचिंग शॉप्स हैं जिससे कुछ भी निकल नहीं रहा है तो ये जो है अमेंडमेंट अब ऐसी हुई कि 2015 से लेके मार्च 2019 जो आज आ गया है हम सब टीचर्स को जो बाकी बचे हैं उनको ट्रेन कर देंगे और वो फिगर 10.6 से 11 लाख पहुंच गई थी 2015 में उसके हिसाब से जो कुछ थोड़ा हिसाब लगाएं तो ऐसा था कि जो रेट ऑफ मेकिंग टीचर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड वाज
61,000 teachers every single month between September 2017 and March 2019. ये आंकड़े थे. अब आज की तारीख में उसके बारे में क्या हो रहा है हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च 19 तो आ गया है. क्या 61,000 टीचर्स को क्वालिफाई किया हर महीने स्वयं पोर्टल के थ्रू, जो कि ऐसा पोर्टल है इतना दूर. आई मीन हाउ डू यू अंडरस्टैंड किस तरह से पढ़ाना है थ्रू डिस्टेंस मोड, वो अपने आप में एक मुद्दा बनता है. और मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा था कि थियोरेटिकल कुछ देने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा रही हैं, हमें केवल थियोरेटिकल नॉलेज देनी है. लेकिन टीचर्स कैसे पढ़ाएं वो थ्योरी और प्रैक्टिस का मुद्दा है, केवल थ्योरी और केवल प्रैक्टिस का भी नहीं है. तो जो बात आंकड़ों की कही इन टर्म्स ऑफ फंड एलोकेशन, मैं केवल एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि अगर हम ऐसे राज्य देखें जिसमें सबसे ज़्यादा अनक्वालिफाइड, प्रोफेशनली अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं, जैसे कि यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, वो सब स्टेट्स स्कूल एजुकेशन के बजट का केवल 1% खर्चा टीचर ट्रेनिंग पे करते हैं, और वो भी अब शायद गायब हो रहा है. डाइट्स में जो कि 5% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे हमारे देश में, 35% से ज़्यादा टीचर एजुकेटर वैकेंसीज अभी भी चल रही हैं. एजुकेशन का शेयर तो नीचे गिर ही रहा है. एसएसए जो एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल व्हीकल था आरटीई को चलाने के लिए, वो एसएसए अब समग्र शिक्षा का हिस्सा बन गया है. इसका मतलब 3 स्कीम्स, एसएसए, आरएमएसए, टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मिला दिया तो जो एक अनसर्टिनिटी थी और कुछ तरीका था कि हाँ एसएसए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली सारा जो काम है आरटीई का वो एसएसए के थ्रू आएगा, अब वो कैसे आएगा क्योंकि आपने तीनों को मिला दिया है, कितना एलोकेशन कहाँ जाएगा. और अगर हम देखें तो सेस की बात उठी थी, 6% ऑफ द सेस एक्चुअली वॉज यूज फॉर एसएसए, और कोई फंड्स एसएसए में नहीं थे, केवल सेस के, और वो भी 60%. अगर हम इसको तीनों को मिला दें तो आपकी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी भी बढ़ जाती है. तो आपकी फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी की वजह से जो एक मॉनिटरिंग और गवर्नेंस के मुद्दे हैं आरटीई को लेके, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि विविधता ज़्यादा है, हर स्टेट्स की अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो कितना और पेचीदा बन जाएगा ये मामला. तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग और गवर्नेंस जो नीति आयोग का एक थ्रस्ट है आज आरटीई को लेके, वो अपने आप में ही एक्चुअली ज़्यादा वॉलेटाइल बन रहा है, क्योंकि हमने एसएसए एज अ स्पेसिफिक एजेंसी टू लुक एट आरटी उसी को हमने मिला दिया समग्र शिक्षा में. दूसरी बात ये भी है कि एसएसए इज अ स्कीम एंड अ प्रोजेक्ट, और उसका इंटीग्रेशन विद स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है. तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं कई स्टेटों में, तो आपका तो कोई इंस्टीट्यूशनल तरीका ही अब तक नहीं पैदा हुआ जो आरटीई को इम्प्लीमेंट करे, जो आरटीई की देखरेख करे और ये इंश्योर करे कि आरटीई के एम्स और उसकी विजन आगे बढ़ रहे हैं. तो ये मुझे लगता है और पेचीदा हो गया. सेकंड अमेंडमेंट ये है आरटीई का, जो कि नो डिटेंशन, हम सबको मालूम है नो डिटेंशन पॉलिसी को निकालने से, या उसको स्टेट मुद्दा बना दिया कि स्टेट डिसाइड करेगी कि हमको फेल करना है बच्चों को, नहीं करना. पर उसके चलते हमने सीसीई को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि सीसीई और नो डिटेंशन एक साथ था, हालांकि उसकी पूरी तरह से टीचर्स की भी शिक्षा नहीं हुई, उनकी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, इसलिए सीसीई भी प्रॉब्लमैटिक रहा. लेकिन आज की तारीख में सीसीई गायब हो चुका है एक्चुअली. तो विच मीन्स के आरटीई का पूरा जो विजन था कि हर बच्चा स्कूल में रहे और 8वीं तक स्कूल में रहे, वो अपने आप में अब काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है. तीसरा जो मुद्दा है वो है इसी के साथ जुड़ा हुआ कि आरटीई में अब हमने एक इंडिकेटर्स डाल दिए लर्निंग आउटकम्स के. क्यों? नीति आयोग का पर्सपेक्टिव ये है, उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आरटीई
as right to education should be looked at as right to learning. अब आपने एकदम से उसको डाइल्यूट कर दिया क्योंकि आपने एडुकेशन को लर्निंग आउटकम्स में तब्दील कर दिया और आपने कहा कि क्वालिटी एडुकेशन का मतलब ही ये है कि आउटपुट हो कि लर्निंग आउटकम्स हो और इनपुट्स का कोई मतलब ही नहीं है. इनफैक्ट मैं कोट करूं नीति आयोग को तो वो कहते हैं द रिमूवल, ये है भी आपके ड्राफ्ट में, द रिमूवल और रिलैक्सिंग ऑफ मैंडेटरी नॉर्म्स सच एज प्यूपल टीचर रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा so that the act can focus on achieving learning outcomes. अब आप learning outcomes को quality के साथ synonymous कर देंगे कि quality का मतलब ही learning outcomes है, लेकिन classroom के अंदर क्या हो रहा है. तो मुझे लगता है ये पूरा जो perspective बन रहा है quality का और नीति आयोग का जो पूरा एक effort है learning outcomes को RTE में डालने का, इससे क्या हो रहा है कि quality or education has actually been completely taken out of the classroom. कि भाई learning experiences क्या होने चाहिए बच्चों के पास, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं समझते हैं जो वो perform करेंगे text में उसका असर तभी होगा जब क्लासरूम के अंदर लर्निंग हो रही है. क्लासरूम के अंदर कोई प्रोसेसेस नहीं हो रहे हैं तो आपका लर्निंग आउटकम्स पे जो जोर जाएगा उसको हमने बिल्कुल ही डाइल्यूट कर दिया. अंत में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से आरटीई को देखने की वो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, वो नहीं कर रही है. पर ऐसा लगता है नीति आयोग की सिफारिशों से और आरटीई के अमेंडमेंट से कि सरकार गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का कंट्रोल लेना चाहती है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती है और जो एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं, क्या पढ़ाना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, जो कि हमें सभी पता है कि किस तरह से वो आइडियोलॉजिकली उसको कैप्चर किया जा रहा है, कम्युनल बनाया जा रहा है, उसको आउटसोर्स किया जा रहा है. आज की तारीख में करीब कभी सभी राज्यों में जो कोर एडवाइजरी कमिटी होती है जो आरटीई में या एलिमेंट्री एजुकेशन में एडवाइस देती है स्टेट्स को, वो सभी कॉरपोरेशन से आए हुए लोग हैं. तो वो एक्चुअली एक्सपर्ट्स बने हुए हैं पॉलिसी की स्पेस में. तो हम ये बिल्कुल भी गलत वहमी में ना रहें कि एज एडुकेटर्स एज एक्टिविस्ट वी हैव एनी स्पेस इन द सेक्टर टुडे. दैट स्पेस हैज एक्चुअली गॉन अवे. इट हैज़ बिकम टोटली आउटसोर्स्ड इन अ सेंस इन टर्म्स ऑफ इवन व्हाट एक्सपर्टीज इन एजुकेशन वुड मीन. एंड जस्ट अ कपल मोर थिंग्स, ऐसा लगता है मुझे कि इस पूरी प्रक्रिया में टीचर का रोल भी रीडिफाइन किया गया, जैसे कि क्वालिटी को रीडिफाइन किया गया. टीचर का रोल अब यह है कि आपको बस टेस्ट देने हैं और ये देखना है कि बच्चे परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और लर्निंग का पूरा उत्तरदायित्व बच्चों पे ही थोप दिया गया है, क्योंकि अगर आप पास नहीं होंगे तो आप फेल होंगे. तो किसी का और उत्तरदायित्व है ही नहीं, वो तो बच्चों का है. इसका ये मतलब हुआ कि एडुकेशन तो मार्केट ड्रिवन हो ही गई है, क्योंकि क्लासरूम के प्रोसेसेस के लिए आपके पास पैकेजेस हैं जो मार्केट से मिलेंगे और मार्केट से खरीद खरीद के स्कूल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो सोशल जस्टिस और इक्विटी का मुद्दा है, वो मुद्दा आंकड़ों में गुनाह हो गया है. बस उसके बारे में आप आंकड़ों में बात कीजिए और जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप रेटरिक से बात कीजिए कि हाँ हम गैर बराबरी की बातें कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इक्विटी हो, क्वालिटी इक्विटी, ये सारे शब्द हैं, लेकिन इन सब शब्दों के पीछे जिस तरह की नीतियाँ बन रही हैं या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो इन शब्दों को खोखला कर रहे हैं और खोखले हो चुके हैं. तो हम केवल एक तरह से गुमराह हैं स्टैटिस्टिक्स में और बस उसी को चेस कर रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ इट आई थिंक the RTE itself is a challenge in terms of its vision because it's been completely diluted. So that becomes also an equally important fight for us in terms of making it a political agenda, because the political agenda should state clearly that there is an attempt to change the discourse of quality education and the discourse of equity and its relationship with quality. Thank you. पैसा भी कमाया, एलोकेशन कमाया और अभी डाइल्यूशन कर दिया तीन अमेंडमेंट के द्वारा, टीचर एजुकेशन, नो डिटेंशन पॉलिसी और फ्रॉम एजुकेशन टू लर्निंग आउटकम जो
Niti Aayog ne yo ek kiya hai. Thank you very much. Now I request Dr. Niranjan Aradhya from the National Law School University in Bangalore. Is andolan ka ek bahut bada activist or expert hai. Professor Aradhya. Thank you, sir. Thank you, Chair. Friends.